दिनेश, आप जहाँ मर्जी नौकरी ढूंढो, कोई गेस्ट ऐसा होगा जो 10-10 साल किसी घर में रहता है, कोई गेस्ट ऐसा होगा जो 10-10 साल की यहाँ पे अपनी सरकार के अंदर ही बैठकर यहाँ पर अपना काम भी कर रहा है, आपके लिए इतनी मेहनत भी कर रहा है, उसने अपनी पूरी उम्र यहाँ दे दी है, पर फिर भी लास्ट में क्या मिला उसे? वो खाली हाथ है, आज सड़क पर बैठा है, आज अपनी डिमांड्स रख रहा है, आज अपनी डिमांड्स के लिए वो उजागर सब लोगों को कर रहा है, बट उसके लिए कोई नहीं है। हमने शिक्षा मंत्री से बोला कि हमारा 28 तारीख को सर्कुलर खत्म हो गया, HOS वगैरह सब ने बोला कि भाई अब तुमने कल क्या करना है, वो हमसे पूछ रहे हैं कल क्या है, पर हम लोगों ने बताएंगे? अब हमें, हम गए सिसोदिया सर के यहाँ पर, हमारी नौकरी चली गई 1 तारीख को, हमारे पास 1 मार्च को नौकरी नहीं थी, तो हम लोगों ने सोचा अब हमें क्या करना है, क्योंकि देखो अगर कोई जॉब होती है वह नोटिस दिया जाता है कि आप अपनी नौकरी दूसरी ढूंढ सकते हैं, यहाँ तो कोई नोटिस नहीं है, किस बात का नोटिस? कोई नोटिस दे देते भाई हम लोगों की नौकरी कल से नहीं है। तो उसके बाद हम लोग गए सर के यहाँ पर, मनीष सिसोदिया सर के यहाँ पर, हमने वहाँ पर धरना दिया, उसके बाद वहाँ पर हमारी सुनवाई हुई 3 दिन के बाद, उन्होंने, हमने बोला आप हमसे मिलने आओ, 22,000 लोगों की आंखें वहाँ तरस गई थी उन्हें पूछने के लिए कि सर अब हमने क्या करना है, हम आपके यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में टीचर्स हैं, बस अब हम 1 दिन के लिए, हम तो हटते ही टीचर खत्म। फिर उसके बाद हमने वहाँ पर उनसे बात की, उन्होंने हमारी बात भी सुनी बहुत अच्छे से, उन्होंने बोला कि हम आपकी पॉलिसी पास कर देते हैं, हम आपके साथ हैं। जब दिल्ली सरकार ने पॉलिसी पास कर दी, कैबिनेट ने पूरी पॉलिसी पास कर दी, जब वो पॉलिसी LG साहब तक पहुंच गई, मनोज तिवारी सर कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी पॉलिसी पास करेंगे, आप सरकार ने पॉलिसी पास कर दी है सर, मनोज तिवारी सर ने प्रॉमिस किया कि हम आपकी पॉलिसी पास कराएंगे, हम LG के पास चलेंगे। तो LG सर से मिलने के लिए वो आए, और उसके बाद उन्होंने फिर से वही किया, उन्होंने हमें एक बोला कि यहाँ तो कुछ आया ही नहीं, वो बोलते हैं कि यहाँ कुछ नहीं आया, अगर कुछ नहीं आया तो शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि हमने पॉलिसी भेज दी है, पॉलिसी शब्द का मायने जो वहाँ पर लिखा गया है, पॉलिसी शब्द वहाँ पर रिटर्न है, तिवारी सर से पूछिए कि क्या पॉलिसी कोई और बनाएगा, कौन बनाएगा, उनसे पूछिए, LG सर कहते हैं कोई पॉलिसी नहीं आई, तो जो पॉलिसी पहुंची है आप अपनी बात एक दूसरे से कीजिए, आप सरकार हैं, आप सरकार बनाते हैं, आप सरकार के अंदर बैठे हैं, आप अपनी बात उनसे कीजिए, आप दोनों बात कीजिए, आप तीनों बात कीजिए, जो पार्टी बात करना चाहती है, पर हमारी पॉलिसी के ऊपर कोई ना कोई बात करके उस पर एक सॉल्यूशन निकालिए, ताकि हमारी बात, क्या लगता है मैडम जिस तरीके से पॉलिसी की बात कर रहे हैं आप, LG पर आरोप लगा रहे हैं कि सर LG सर के पास ही पूरी सर्विसेज का मैटर है। अब जो दिल्ली सरकार ने करना था, हम लोग दिल्ली सरकार के अंदर काम करते हैं, दिल्ली सरकार ने अपना काम कर दिया है, आगे अब LG सर के पास सर्विसेज का जो है उसके अंदर अगर वो पास नहीं कर रहे हैं, भाई अगर कोई बात है आप उनसे बात कीजिए, इतने सालों आप नौकरी करवाने के बाद बोलते हैं कि हम लोग पास नहीं करेंगे। आगामी योजना क्या रहेगी अगर मैडम आपकी इस धरने के बाद में आपकी मांगों को नहीं माना जाता, आगामी योजना क्या रहेगी? सर हमारे पास कोई सर्कुलर ही नहीं है, जो तिवारी सर ने बोला 31 अगस्त नहीं सर्कुलर है, हम आपकी ना कोई भी नहीं बात सुन रहा है, हम अपने घर परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ में धरने पे ही बैठे रहेंगे सर, हम लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे सर, हम अपने घर परिवार बच्चों के साथ में आगे रोडों पे आ जाएंगे, हम लोग भूखे मर रहे हैं, इनको दिख नहीं रहा है कि 22,000 गैस टीचर जो है रोड पे आ गए हैं, इनका घर परिवार कैसे चलेगा सर? 22,000 को यहाँ अनाथ बनाकर बैठा दिया, हमारे बच्चे अनाथ, हमारे स्कूल के बच्चे अनाथ हो चुके हैं, हमें कहते हैं, बल्कि हमसे पूछते हैं कि आप कब आएंगे, अरे हम कब आएंगे भाई, हमारा कोई सर्कुलर नहीं है, हम ऐसे हो गए, हमें टीचर्स फोन करके बुला रहे हैं बट हम जा नहीं सकते, हम कहाँ जाए, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमें अब रिन्यू का सर्कुलर नहीं चाहिए, हम नहीं आना चाहते, हम आना चाहते हमारी पॉलिसी के साथ, ताकि हमारे पे भी कोई रिस्पेक्ट मिले, हमारे लिए भी कुछ हो, हम बिना स्टेबल हुए नहीं जाना चाहते, हम 60 साल तो हम भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय के पास जाएंगे और आमरण अनशन करेंगे। ये दिल्ली का मुख्यालय है भाजपा का, हम राष्ट्रीय मुख्यालय में जाएंगे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर और वहाँ पे आमरण अनशन करेंगे। ओके, राजनाथ सिंह हमारी बात सुने, मोदी जी बात सुने, अगर दिल्ली की यूनिट नहीं सुन रही है भाजपा की, सर प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है, HRD मिनिस्टर, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए सर,
अपना डिस्प्यूट प्लीज खत्म कीजिए, शिक्षक का सोचिए, शिक्षक ही फ्यूचर बनाता है, उसके लिए सोचिए। पिछले 5 सालों में जब प्रकाश जावड़ेकर जी एक बार भी शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, तब आपने सवाल नहीं उठाया। अब चुनाव आ गया, ऐसे समय में आप सवाल उठा रहे हैं, हमको तो पहले उठाना चाहिए था सवाल। हमारी नौकरियां जा रही हैं, हम तो शिक्षक हैं, हम 28 पूरी डेट की बात है, पहले उठाना चाहिए। हम लोग शिक्षक हैं, हम हमारा काम ऐसे समय पे खड़ा है जब कैंडिडेट घोषित किए जा रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, इस समय आप सवाल। कोड ऑफ कंडक्ट केंद्र सरकार के ऊपर लगेगा और राज्य सरकार के ऊपर नहीं लगेगा। एलजी के अंडर में सर्विसेज मैटर है और एलजी केंद्र दिल्ली की सियासत यहीं से होती है, क्योंकि ये बीजेपी प्रदेश कार्यालय है। ठीक उसके सामने 22,000 शिक्षक जिनके साथ जुड़ी हैं लगभग 2,000 मजबूत वोट, और ये वोट कहाँ पलट जाएगी कहना मुश्किल है। लेकिन अब ये वोट किस पर निर्धारित होगा, जरा आपको समझना पड़ेगा, पूरा समझ। ये वो लोग हैं जो स्कूलों में, कॉलेजों में, या स्कूल में ही सिर्फ स्कूलों में पढ़ाने जाते हैं, जिसको हम कहते हैं गेस्ट टीचर, है ना। और ये गेस्ट टीचर वो हैं जो अगर संडे को ये वर्क नहीं करते हैं तो इनको वेजेस नहीं दी जाती है। तमाम तरह के लोग हैं, सभी समुदाय के लोग हैं, आप तो जानते ही हैं किस तरह से बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी राजनीति करते हैं, जातिगत राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम को भी बांटने का काम करते हैं। अब ये देखकर आप ये मत समझिएगा कि इसमें कुछ ऐसा है, ये सब एक है, एक समुदाय के लोग हैं, और ठीक उसी प्रकार जो अपने हित और हुकूक के लिए लगातार लड़ाई कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वो तमाम लोग जो मुझसे बेहतर बता पाएंगे कि एक्चुअल में ये मसला क्या है, क्या है ये पूरा। आप भी टीचर हैं? जी सर। प्लीज देव, हाँ सर, खड़ा करो। नहीं बैठे बैठे बैठे। कौन से स्कूल में टीचर हैं? मोलरबंद नंबर 1 में टीचर हूँ, मेरा नाम राहुल मलिक। ये पूरा मामला क्या है, जिस तरह से आप यहाँ पर एक व्यवस्था बना दी है कि शिक्षकों का पूरा पंडित पंत मार्ग में हल्ला बोल दिए, क्या मामला क्या है? दरअसल मामला ये है, हम दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पिछले 5-5, 7-7, 8-8 साल से पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, और हम डेली वेजेस पे, हमें संडे की या होली दिवाली की छुट्टियों का भी पैसा नहीं मिलता, इसके बावजूद भी प्राइवेट स्कूलों से बेटर रिजल्ट देने वाले शिक्षक हैं, ये खुद दिल्ली के शिक्षा मंत्री जी कबूल कर चुके हैं कई बार मीडिया के सामने। इसके बावजूद भी 1 मार्च को बिना किसी पूर्व सूचना के हमें स्कूलों से निकाल दिया गया, 25,000 टीचर्स को बेरोजगार कर दिया गया। HOS ने हमें रजिस्टर पे साइन करने से मना कर दिया, बायोमेट्रिक लगाने से मना कर दिया, सिर्फ ये कहा प्लेन कागज पे साइन कीजिए, और हमारी IDs भी रिमूव कर दी गई टैब से, जो टैबलेट हमें सरकार ने दी थी 15,000 की। और इससे दुखी होकर, इससे नाराज होकर सभी गेस्ट टीचर्स मनीष सिसोदिया जी के निवास स्थान पे गए, शिक्षा मंत्री जी के निवास स्थान पे, ये पूछने के लिए कि आखिर हमारी क्या गलती थी, क्या गुनाह था कि हमें हटा दिया गया। 6 दिन तक उनके घर धरना किया पॉलिसी के लिए, 60 साल की पॉलिसी जो हरियाणा में पास हुई है, अन्य राज्यों में भी कई राज्यों में टीचर्स की जॉब सिक्योर हो चुकी है। हमने कहा सर हमारे लिए पॉलिसी बनाइए और हमारी जॉब सिक्योर कीजिए, ये क्या तरीका, हर 2-2, 4-4 महीने का सर्कुलर आता है कि जॉब रिन्यू, फिर हम फिर भटकते हैं। और मनीष सिसोदिया जी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाकर वो ड्राफ्ट भी बनाया, वो बिल पास किया और वो LG हाउस में भेजा, फिर हमने अपना धरना LG हाउस में शिफ्ट किया, जिससे यहाँ पे दबाव बने, वो सारी बात चल रही थी। कल मनोज तिवारी जी आए, उन्होंने हमारे बीच में हमारी समस्या को सुना, लेकिन समाधान निकालने की बजाय वही राजनीति कर दी कि 31 अगस्त तक आपका रिन्यूअल है। अरे सर हमें रिन्यूअल नहीं चाहिए, हमें 60 साल की पॉलिसी चाहिए, पॉलिसी में काम करवाइए। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा पड़ा है, पोस्टर लिए हैं अतिथि शिक्षकों को तोहफा दो, LG साहब साइन करो, साहब और तमाम लिखा है जो शिक्षक का सम्मान करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। कौन सा स्कूल है जहाँ पर आते हैं? वजीरपुर JJ कॉलोनी। वजीरपुर JJ कॉलोनी, क्या लग रहा है कि लगातार आपके साथी अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, पॉलिसी की बात कर रहे हैं, LG में फाइलें फंसी हैं, लेकिन अभी तक BJP गवर्नमेंट जो है कुछ इशारा नहीं कर पा रही है ताकि वो उस पर साइन हो, क्या कहेंगे इस विषय पर आप? सर यही है कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं हम लोगों के साथ में और हम लोगों के भविष्य के साथ में, हम यही चाहेंगे कि हम लोगों के जो है जो राज्य नेता लोग हैं हम लोगों का हित देखें और हमारे परिवारों का हित देखें और हमारे साथ में हमारे परिवार हैं और जिन बच्चों का विशेष तौर पे जिन बच्चों के लिए हम लोगों को अलर्ट किया गया है पढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा बहुत बाधित हो रही है, तो हम यही चाहेंगे सरकार जनता का हित देखते हुए, बच्चों का हित देखते हुए और हमारा हित देखते हुए हमारी पॉलिसी पास करे और हमें एक ऐसी जॉब की गारंटी दे जिससे हम अपने जीवन यापन लाइफ टाइम कर सकें। देखिए सरकार की कितनी बड़ी पॉलिसी हमारी है, परमानेंट जॉब, मतलब हमारी 60 साल जो जॉब
हमारी है, ये गेस्ट टीचर की, हमारी गेस्ट टीचर की जॉब 60 साल तक जो परमानेंट मंत्री जी ने पास किया है वो 60 साल तक हमें इसकी सिक्योरिटी चाहिए। देखिए कितनी बड़ी एक बात है कि एक विकलांग शिक्षक अपने अधिकारों के लिए लगातार लड़ रहा है, अपने पिछले सर नौ दिनों के लिए लड़ रहा है और लगातार 9 दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन में अहम हिस्सेदारी निभा रहा है। कितनी चिंता की बात है। देखिए वो ये सैकड़ों लोग हैं, हजारों की तादाद में लोग हैं जो अपनी हक और हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। ये कौन सी व्यवस्था है जिसने इसे बांध कर रखा है, जकड़ कर रखा है? आप खुद देख लीजिए ये पूरा सिस्टम है जहाँ बीजेपी और वो कार्यालय भी सामने है, बड़े बड़े लीडर्स। कैबिनेट में पास भी हुआ है, कैबिनेट में सिसोदिया जी ने पास दिया है, लेकिन उसके बाद भी हमने पास कर दी है पॉलिसी, लेकिन उसके बाद भी जी अपने अपने अपनी तरफ से संज्ञान लेते हुए मैं परेशान हूँ। पहले एलजी ऑफिस बोला था कि हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं आई, अगले दिन बोलते कि आ जाइए 12:45 पे, 12:45 पे कल दो पेपर हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल हमें हर 2 महीने बाद का टाइम पीरियड नहीं चाहिए, हमें फाइनल आंसर चाहिए, हमारा कि हमें पॉलिसी चाहिए, बस लाइफ सिक्योर चाहिए। हम 25,000